कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और ढींसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की। बता दें कि अमरिंदर सिंह ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने नई पार्टी के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने का भी ऐलान किया था और आज उन्होंने ये घोषणा की है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीटें क्या होंगी, किस तरह से होंगी, बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। अलग पार्टी बनाकर अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आज जो बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और ढींसा की पार्टी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की है। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की थी। अनीता सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत करती हूं। अनीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। अनीता जी, अमरिंदर सिंह आज घोषणा करते हुए कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ आकर आगे का चुनाव जो पंजाब में होने जा रहा है वो लड़ेंगे, इस पर पहली टिप्पणी आपकी क्या? मेरी राम राम सबको। और बिल्कुल, अच्छी पार्टियों का साथ हमेशा लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसे राजनीतिक दल है पूरे भारतवर्ष में जो राष्ट्रवादिता में विश्वास करती है। बाकी तो हम देख ही रहे हैं कि जिन्नावादिता में लोग यहाँ पर विश्वास रखते हैं, उनके कसीदे पढ़ते हैं, हिंदू और हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से तुलना करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इकलौता ऐसा राजनीतिक दल है भारतवर्ष में जो अपने राष्ट्र के विषय में बात करता है, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के विषय में गर्व रखता है। तो अनिल जी, तो क्या विश्वास कर पाएंगे जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस के नहीं हो पाए तो क्या बीजेपी का होकर रह जाएंगे? कांग्रेस का कौन होकर रह पाए? आज की तारीख में देखिए ममता बनर्जी क्या बोलती है कि यूपीए तो है ही नहीं। तो इस बात की खुशी है आपको? जब कांग्रेस खुद, कांग्रेस के नेता जो हैं, आप देख लीजिए G23 बना के, ग्रुप बना के घूम रहे हैं। तो कोई दक्षिण में जाता है, कोई उत्तर में, कोई पश्चिम में, कोई पूरब में। अब यूपीए ही नहीं रहा, और क्यों नहीं रहा? कांग्रेस की वजह से नहीं रहा। तो ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज्ड पार्टी का कंफ्यूज्ड भविष्य है। अच्छा। तो इस कंफ्यूज्ड पार्टी के साथ कोई भी कंफ्यूज नहीं रहना चाहता। और आप सोच रहे हैं कि ऐसे जो भी लोग हैं वो हमारी पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़े, ये क्लियर है? हर राजनीतिक दल या हर वो व्यक्ति जो राष्ट्रवादिता में विश्वास रखता है, भारत माता की जय कहने में विश्वास रखता है, उसका हम दिल से सम्मान और स्वागत करते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा नीला जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या सीटों पर भी कोई चर्चा हुई है, ऐसी कोई जानकारी? जी, मैं केवल प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, तो मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है। उसके बियॉन्ड जो भी बातें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप सबको बता दी जाएंगी। चलिए ठीक है अनिला जी, आपसे जानकारी मिली, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी अनिल जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी आ रहा है उसका पूरी तरह से वेलकम है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं, आम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, कुछ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी के अमरिंदर सिंह सगे नहीं रहे हैं, अब पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, अब वो आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहे हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अपनी अलग पार्टी उन्होंने बना दी है, तो ऐसे में क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? सीटों को लेकर अभी मैंने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें अपनी लिमिटेशन पता है, वो आगे नहीं बता सकती। तो ऐसे में अभी कोई जानकारी तो नहीं मिल पाई है कि क्या सीटें रहेंगी, कैसे रहेंगी, लेकिन ये साफ है कि अमरिंदर सिंह अपनी अलग पार्टी बनाकर अब बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे और फिर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं एक और बड़ी चुनौती, क्योंकि कांग्रेस से निकले हुए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को करारा झटका लग सकता है 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में।
तो बड़ी जानकारी इस वक्त की कैप्टन अमरिंदर का एक बड़ा ऐलान आज हुआ है। हालांकि इसकी जो अटकलें हैं वो पहले से ही लगाई जा रही थी कि कैप्टन अमरिंदर जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और आज उन्होंने घोषणा भी कर दी है। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। जी जी नमस्कार। प्रियंका जी कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि अमरिंदर सिंह आज घोषणा कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं अपनी अलग पार्टी बनाकर। नहीं नहीं मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ इस मुद्दे पर। देखिए पंजाब में जो कांग्रेस ने काम किया है उसके बिहाफ पे जनता वोट करेगी और किसी तरह का कोई झटका नहीं है क्योंकि उनका जाना बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी का कोई अस्तित्व है नहीं पंजाब में। आप देखिए कि किस तरह से जो है उनका जाना, इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांग्रेस अपना काम लगातार करती चली आ रही है, जिस तरह से जनता की समस्याओं को संबोधित कर रही है, जिस तरह से वहां पर काम कर रही है, तो जनता बेहद बहुमत के साथ जिताएगी कांग्रेस पार्टी को। प्रियंका जी आपने अभी कहा कि बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है पंजाब में, यही कहा आपने? नहीं, आप देखिए कि इस तरह से बीजेपी को पहले भी लोगों ने नकारा है पंजाब से और दोबारा फिर नकारेगी। लेकिन अमरिंदर सिंह का तो अस्तित्व है, अमरिंदर सिंह के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है तो वो असर तो पड़ जाएगा ना, फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। देखिए अगर बीजेपी में विश्वास होता वहाँ की जनता को तो पहले ही वो बीजेपी को वोट देती। जब बीजेपी को उसने वोट नहीं दिया, जब कोई विश्वास नहीं जताया, तो अब वहाँ पर व्यक्ति विशेष को तो वोट होता नहीं है। वोट तो एक पार्टी को दिया जाता है, वोट पार्टी की पॉलिसीज को दिया जाता है, व्यक्ति विशेष को वोट नहीं देती है जनता। जनता काम देखती है, उसके आधार पर जनता चुनाव करती है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से वहाँ पर विरोध हो रहा है बीजेपी पार्टी का, ठीक है, उसको देखते हुए आप सीधी तरह से कह सकते हैं कि वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है बीजेपी पार्टी का। बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है, जो फूट पड़ी हुई है, उसका असर तो पड़ेगा या उसका भी नहीं पड़ेगा? कांग्रेस में कोई फूट नहीं पड़ी हुई है, कांग्रेस पूरी तरह से जनता की सेवा में लगी हुई है। अच्छा, और जिस तरह के कार्य करने चाहिए पूरी तरह से फोकस है, किसानों पर फोकस है, बिजली के बिल पे फोकस है, इन सभी चीजों पर काम कर रही है जनता के लिए और जनता की सुविधाओं के लिए काम कर रही है। इसलिए जनता पूर्ण बहुमत के साथ फिर से पंजाब में एक बार कांग्रेस की सरकार बनाएगी। तो कांग्रेस को पंजाब में किसी से कोई डर नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि 2022 में फिर से कांग्रेस आने वाली है पंजाब में? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी से भी कोई डर नहीं है, सरकार बनाएगी वहाँ पर? आम आदमी पार्टी से भी कोई डर नहीं है प्रियंका जी? देखिए जनता जिसको बहुमत देती है, जनता जिस पर विश्वास करती है, उसको किसी से कोई डर नहीं होता। चले ठीक है प्रियंका जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता के मुद्दों का चुनाव होना है, ये कोई किसी बहकावे में नहीं आएगा। किसान के मुद्दों का चुनाव होना है, ये बेरोजगार के मुद्दों का चुनाव होना है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव होना है। और ये चुनाव इस बार जनता इस बार दिखा देगी किस तरह की बीजेपी की जो नीतियां हैं और जो बीजेपी की कार्यशैली है उससे लोगों को संतुष्टि नहीं है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे काला धन लाने की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, किसी भी मुद्दे पर बीजेपी सरकार आज तक अपने किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई है। हर तरह से जुमले साबित हुए हैं, तो उस आधार से कहा जा सकता है कि जनता जो है अगर विश्वास दिखाएगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो कहती आई है, जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। चलिए ठीक है प्रियंका जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और उम्मीद करती हूँ कि जो आप कह रही हो वो वहां पर दिखाई दे हमें पंजाब में, लेकिन उम्मीद क्या है इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है पंजाब में और बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को धीरे धीरे तोड़ा जाए और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अब ऐलान करते हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इसका खासा असर जो है वो पड़ सकता है पंजाब में और कांग्रेस कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से अभी यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ी थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है क्योंकि बीजेपी का अस्तित्व पंजाब में नहीं है, लेकिन इसका असर जरूर नजर आएगा।